क्वेश्चन नंबर है जी 7 एंड क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 8। स्टेटमेंट्स को देखकर आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, द गवर्नमेंट बिल्ट 386 हाउसेस के, हकूमत ने क्या किया 386 एंड 655 हाउसेस बिल्ट किए हैं होमलेस। होमलेस का मतलब होता है जिनको हम क्या कहें, होमलेस का मतलब होता है जिनके पास घर नहीं होता, ठीक है, इन वन ईयर, ठीक है, एक साल में गवर्नमेंट ने 386 होमलेस के लिए घर बनाए हैं। इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल, फीवर हाउसेस वर, उनकी जो तादाद है कम हो गई है, वर बिल्ट देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, ठीक है। हाउ मच, हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन द बोथ ईयर, दोनों साल में उसने कितने घर बनाए। सबसे पहले देखें, पहले साल बच्चों उसने कितने बनाए हैं, इतने। सबसे पहले ये लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे बच्चों हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट बिल्ट हाउसेज, हाउसेज इन वन ईयर, कितने हैं जी उसके पास 386655, इतनी है ना 386, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, सेकेंड ईयर उसने कितने बनाए हैं, सेकेंड ईयर फीवर कम तमीर किए हैं हाउसेज, हाउसेज इन वर, यहां पे हम लिखते हैं वर बिल्ट, बिल्ट देन देन प्रीवियस, प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, पिछले, पहले साल उसने इतने बनाए हैं, उससे कम हो के इतने हैं, उससे इतने कम बनाए हैं अगले साल 2-1, ठीक है। पहले साल उसने इतने बनाए हैं, अगले साल इसमें से उसने इतने कम बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं माइनस, फिर हम टोटल कर लेंगे दोनों का, इधर क्या आ जाएगा 5-1 आंसर इज 4, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 5-2 आंसर इज 3, 6-5 आंसर इज 1, 6-4 आंसर इज 2, 8-2 आंसर इज 6, 3 इधर आ जाएगा ऐसे एज इट इज, ठीक है। पहले साल उसने इतने बनाए हैं और दूसरे साल जो हमने एक्चुअल प्राइस देखी है वो ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड ईयर हाउसेस बिल्ट, कितने हाउसेस बिल्ट किए हैं, इतने, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फर्स्ट ईयर हाउसेस, हाउसेस बिल्ट, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्ट, कितने किए थे 386655, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टोटल हाउसेस, ठीक है। अब देखें 4+5 आंसर इज 9, 3+5 आंसर इज 8, 1+6 आंसर इज 7, 2+6 आंसर इज 8, 6+8 आंसर इज 4, 1 कैरी, 3+1 4, इधर आ जाएगा 7। हाँ चेक कर लेते हैं आंसर क्या है जनाब आपके पास, 748789, ठीक है, समझ आई। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो पहले साल गवर्नमेंट ने हाउसेस तामीरी किए थे उनकी प्राइस ये थी, ठीक है। उसने आगे गवर्नमेंट ने कहा द सेकंड ईयर 24521 फीवर हाउसेस वर बिल्ट देन द प्रीवियस ईयर, उसने पहले साल से जो दूसरा साल था उसने इतने हाउसेस कम बनाए हैं, ठीक है। तो उसने फाइंड करने को क्या बोल दिया था, हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन द बोथ ईयर, दोनों सालों में उसने कितने बनाए। सबसे पहले हमने वन ईयर में जो कंस्ट्रक्शन हुई उसमें से माइनस कर दिया जितने उसने कम बनाए थे, तो हमारे पास सेकेंड ईयर में जो बने थे वो आ गए, और उसके बाद हमने जो फर्स्ट ईयर में तमीर हो चुके हुए थे और जो सेकेंड ईयर में थे हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके पास क्या है, फातिमा हैज हाउस, सॉरी फातिमा हैज रुपीस, फातिमा के पास कितने पैसे हैं, ले जी फातिमा भी बड़ी अमीर हुई हुई है,
954888 इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं जी उसके, माशाल्लाह बड़े पैसे हैं। इफ शी विदड्रा रुपीज 135600 फ्रॉम द बैंक, अगर वो बैंक से उतने पैसे निकालती है टू बाई अ लैपटॉप, एक लैपटॉप बाय करना है, हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, इसके पास कितने पैसे रह गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फातिमा के बैंक में है कितने, फातिमा, फातिमा हम लिख देते हैं फातिमा मनी इन बैंक कितनी है जी उसके पास, 549544888 ठीक है। विदड्रा फ्रॉम बैंक, फातिमा, फातिमा विदड्रा फ्रॉम बैंक, फातिमा बैंक से कितने पैसे निकलवा रही है जी, वो है 135600 ठीक है, माइनस कर देते हैं, 8-0 आंसर इज 8 आ जाएगा, 8-6 आंसर इज 8 आ जाएगा, 8-6 आंसर इज 2 आ जाएगा, इधर से तो निकल नहीं सकते, इधर से 1 कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 4, 14 में से हमने 5 माइनस किया 9 आ जाएगा, 4-3 1 आ जाएगा, 9-1 आंसर इज 8 लें जी। फातिमा, फातिमा लेफ्ट मनी इन बैंक, फातिमा के पास जो बाकी पैसे रह गए वो हैं 819288। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 है ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस हैं, दिल लगाकर करना है, इसके बाद आपको भी छुट्टी और मुझे भी छुट्टी। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 3 में ठीक है, वो भी बड़ी आसान है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब फैक्ट्री ओनर जो फैक्ट्री का मालिक है गिव दे रहा है रुपीज 448870 एज रिवार्ड टू हिज एम्प्लॉय, अपने मुलाजमीन को रिवार्ड इनाम के तौर पे कितने पैसे दे रहे हैं, 448870 ठीक है, इन वन ईयर एक साल में ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है कितने पैसे, 437995 पर एज रिवॉर्ड ठीक है। पहले साल वो इतने पैसे दे रहा है, सेकंड वाले साल वो इतने पैसे दे रहा है, फाइंड करने का उन्होंने हमें क्या बोला, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी दे रहा है एज गिवन एज रिवॉर्ड इन द बोथ ईयर, दोनों सालों में वो कितने पैसे दे रहा है। तो सिंपल यहां पे लिख लेते हैं हम, यहां पे बच्चों लिख लें रिवार्ड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में वो कितना रिवार्ड दे रहा है, 448870, यहां पे हम लिख रहे हैं रिवार्ड ऑफ सेकंड ईयर वो कितना दे रहा है, 437995 ठीक है। तो टोटल रिवार्ड बच्चों आपके पास कितना मिल रहा है मुलाजमीन को, यहां पे हम लिख रहे हैं 5, 7+9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ठीक हो गया, 18 आता है, नहीं 7+9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता है ठीक है। 1 carry 9+9 आंसर इज 18, 1 carry इधर क्या आ जाएगा 8, 8, 16, 1 carry 8 और इधर आ जाएगा 9 ठीक है। जो टोटल रिवार्ड मिल रहा है ना बच्चों पहले साल और दूसरे साल, ये टोटल है 9, 8, 6, 8, 6, 5 ठीक है। अब उसने हमें नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर कौन से साल द ओनर मालिक गेव लेस रिवार्ड, कौन से साल जो मालिक है वो कम इनाम दे रहा है, एंड हाउ मच लेस और कितना कम दे रहा है। चले अब हम लगा लेते हैं, यहां पे हमने जो टोटल फाइंड किया था यहां पे हम कह देते हैं रिवार्ड ऑफ वन ईयर, एक साल में या फर्स्ट ईयर उसने कितना दिया था, 448870 ये फर्स्ट ईयर उसने दिया था, रिवार्ड ऑफ सेकंड ईयर दूसरे साल उसने कितना दिया था, 437995 ठीक है। यहां से हम लेस करके पता कर लेंगे कौन से साल उसने कितना कम दिया है, दूसरे साल उसने अब कितना कम दिया है ये भी बताना है। 1 carry इधर आगे, इधर आगे बच्चों आपके पास क्या 5 इधर रह गया,
सिक्स, ठीक है। इधर हम वन कैरी लेते, इधर आ गया सेवन, इधर आ जाएगा सिक्सटीन, ठीक है। सिक्सटीन में से नाइन माइनस की है, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, इधर आ जाएगा बच्चों सेवन। इधर क्या जाएगा, सेवन में से सेवन माइनस किए, सॉरी सेवन में से तो नाइन माइनस ही नहीं हो सकते, इधर आ जाएगा सेवन, इधर आ जाएगा सेवनटीन। सेवनटीन में से नाइन माइनस किए, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, एट आ जाएगा, ठीक है। सेवन में से सेवन माइनस किए तो बाकी बच गया जीरो, इधर क्या आ जाएगा फोर माइनस वन, लें जी 10,875 रुपीस लेस पे कर रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओनर गिव लेस रिवार्ड इन सेकंड ईयर हुज प्राइस इज 10,875। आंसर चेक करें, आंसर हमारे पास क्या था, एट, सॉरी यहां पे क्या है, एट है यार, यहां पे फोर प्लस फोर आंसर इज एट होता है, सॉरी यार यहां पे करेक्शन हो गई, कर लें, डबल एट सिक्स एट सिक्स फाइव और उधर है टेन, ठीक है, ओके। अब आगे क्वेश्चन नंबर टेन, लास्ट क्वेश्चन है जी। फरहाद डोनेट ऑफ 6 लाख रुपीस टू टू इदी ऑर्गेनाइजेशंस, फरहाद जो है 6 लाख रुपया दो इदी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दे रहा है, ठीक है। If he pays, अगर वो अदा करता है 385990, अगर वो अदा करता है 21 इदी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो 385990 एक को देता है तो दूसरी को कितनी देगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे फरहान डोनेट कर रहा है टू ईदी ऑर्गेनाइजेशन कितने डोनेट कर रहा है, 6,550। अच्छा, एक को वो कितना पे कर रहा है, ही पेज वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन वो एक को कितने पैसे दे रहा है, 385, ठीक है, माइनस कर देते हैं, चलें जी। अब बड़ी पड़ गई है मुसीबत, ना इससे कैरी ले सकते हैं, ना इससे कैरी ले सकते हैं, तो इससे ले सकते हैं फिर, ठीक है। इधर बच्चों क्या आ जाएगा फिर 5, इधर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसने इसको देना है उधार, इधर आ जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 10, इसने फिर इसको उधार देना है, इधर हो जाएगा 9 तो इधर हो जाएगा नहीं, हाँ इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 10, 10 में से एक कैरी दिया उधर हो गया 10 और उधर हो जाएगा 9, इधर फिर एक कैरी इसको दे दिया इधर हो जाएगा 9, फिर एक कैरी उसको दे दिया इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 10, ठीक हो गया। 10 में से ओहो शिट, जीरो में तो जीरो निकल ही सकता है, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको देखना, यहाँ पे था ऊपर 6,000, जीरो में से जीरो माइनस किया जीरो, ठीक है, फिर दोबारा फिर वही कहानी शुरू, 5 इधर आ गया, इधर आ जाएगा 10, 1 कैरी उसको दे दिया उधर हो गया 10, फिर इधर आ जाएगा 9, फिर इधर हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा 9, फिर इधर 10 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9, फिर इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस किए तो बाकी बच गया 1, 9 में से 9 गए तो बाकी बच गया 0, 9 में से 5 गए तो बाकी बच गया 4, इधर आ जाएगा 9 में से 8 माइनस किए तो बाकी बच गया 1, 5 में से 3 माइनस किए तो बाकी 2 बच गया, तो यहाँ पर आंसर क्या है 2140, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फरहाद, यहाँ पे फरहान पे विल टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, फरहान विल पे टू अदर ऑर्गेनाइजेशन को कितने पे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को जनाब वो पे करेगा 214010। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है हमारे चैनल मैथ की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली की नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।